चलो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहला बात सर, इस चैप्टर में हमको समझना है यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी? यूटिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, समझो। यूटिलिटी मतलब होता है बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये तो पढ़ा होगा तुमने, चैप्टर बहुत कुछ है, आगे बहुत लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। मतलब अगर कोई कॉमोडिटी तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो यूटिलिटी दे रहा है। अगर कोई कॉमोडिटी तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो यूटिलिटी, जैसे मान लो मैंने ये फोन खरीदा, एक तो फोन, और फोन खरीद के मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं बोलूंगा हाँ द फोन इज गिविंग मी यूटिलिटी, क्योंकि वो मेरे वांट को सेटिस्फाई। मैंने दुकानदार को बोला भैया अच्छा कैमरा का फोन दीजिए, वो कैमरा खराब था, मतलब मेरा यूटिलिटी नहीं मिला मेरे को। तो यूटिलिटी इन सिंपल वर्ड मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर यूटिलिटी मीन्स? बट अब सर हम लोग को सिर्फ यूटिलिटी का मीनिंग नहीं समझना है, हमारे सिलेबस में बहुत कुछ है। सबसे पहला बेटा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है? अगर तुम क्लास 10 पास आउट होकर इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है तो ये आंसर तुमको ऑलरेडी पता है। था क्या तुम्हारा? पहला है बेटा यूटिलिटी सब्जेक्टिव। क्या बोला? अब सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ध्यान से। आज मेरे को मान लो स्प्राइट पी के जितना अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल उतना अच्छा ना लगे। तो सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? पर्सन का अपना रैशनल जजमेंट है, कोई चीज को ज्यादा अच्छा लग सकता है, कोई उसको कम अच्छा लग सकता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन मूड, पर्सन जजमेंट। आर यू गेटिंग? तुम खुद समझो, आज तुमको हो सकता है कल का क्लास बहुत अच्छा समझ में आया, हो सकता है आज तुमको क्लास अच्छा ना समझ में आया, आएगा, डोंट वरी, बट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो कल का क्लास तुमको यूटिलिटी दिया, आज का क्लास यूटिलिटी। हो सकता है कल भी सेम टॉपिक, आज भी सेम टॉपिक, बट कल ज्यादा अच्छा लगा, आज थोड़ा कम अच्छा लगा, तो यूटिलिटी कल मिला आज नहीं मिला, या आज मिला कल नहीं मिला, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव नेचर। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्या बोलो, सुनना ध्यान से बेटा, यूटिलिटी को तुम मेजर नहीं कर सकता है। क्या बोला मैंने? यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। एक चीज बताओ दृष्टि, आप डोमिनोज में पिज्जा खाते हो? नहीं खाते हो, पिज्जा खाते ही नहीं हो। पास्ता खाते हो? तो दृष्टि आप अगर 150 रुपया का पास्ता खाते हो तो मम्मी पूछती है बेटा अच्छा लगा, आप क्या बोलते हो? हाँ मम्मी 150 रुपया का अच्छा लगा, या 150 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा बोलते हो कभी? नहीं ना बोलते हो, क्योंकि तुम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाएगा। हाँ ये जरूर बोलते हो मम्मी पास्ता अच्छा था या खराब था, यूटिलिटी को कितना मजा मिल रहा है वो थोड़ी बोल पाएगा तुम। हाँ सर आज का क्लास करके आपका बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा बस, हाँ सर आज का क्लास के पूरा 1000 रुपया वसूल हो गया, ऐसा कभी आज तक कोई बोला है? कोई नहीं बोला। या आज का जो फीस था 100 रुपया 150 रुपया पर डे का, वो वसूल नहीं होता। यूटिलिटीज बट इन इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में अज्यूम कर लेंगे, तुमको दुनिया में कोई भी कठिन काम हो ना उसको अज्यूम कर लो। क्या बोला मैंने? तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, अज्यूम कर लो हाँ मैं बहुत अमीर हूं, बस खत्म। इकोनॉमिक्स में यही काम होता है, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अज्यूम कर लो जो चीज ना हो सके वो क्या कर लो। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? तुम लोग ये बोला ना कि यूटिलिटी को लोग मेजर कर सकता है बेटा, इसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? एल्फ्रेड मार्शल का नाम सुना होगा, तुम्हारा दोस्त ही होगा। एल्फ्रेड मार्शल इसके सपोर्ट में था कि यूटिलिटी को मेजर कर लो। तो एल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम कर लिया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? अगर यूटिलिटी को मेजर करना संभव नहीं है, जो रियलिटी में नहीं ना होता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मैं पूरा चैप्टर को गहराई से समझा दूंगा तुमको, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा, मेजर नहीं कर सकते हो। कार्डिनल को अपन मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ सर कार्डिनल को मेजर किया जा सकता है। किस टर्म्स में बेटा? मॉनिटरी टर्म्स में। किस टर्म्स में? मॉनिटरी टर्म्स में। लेकिन ऑर्डिनल को मेजर नहीं किया जा सकता है। तो सर ऑर्डिनल में क्या हो सकता है वो बताइए। ऑर्डिनल में साधना खाली रैंक दे सकता है। क्या दे सकते हैं? कैसे? ये देखो, मैंने दिया पास्ता, मैंने दिया पिज्जा, मैंने दिया डोसा। ये बोलूंगा ऑर्डिनल में कि डोसा जो है वो पिज्जा से ज्यादा अच्छा था। क्या बोला? लेकिन पास्ता से कम अच्छा था। रैंक बता पाएगा मेरे को? डोसा पिज्जा से ज्यादा अच्छा है मगर पास्ता से कम अच्छा है। ये तो श्योर है बेटा कि मेरे अनुसार पास्ता को रैंक 1 मिलेगा, डोसा को रैंक 2 मिलेगा, पिज्जा को रैंक 3 मिलेगा। ऑर्डिनल में आप सिर्फ रैंक दे सकते हो। क्या दे सकते हो? ये ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा।
अगर मैं कार्डिनल का बात करता ना, मैं बोलता सुन ना, पास्ता खा के मेरे को 150 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला, पिज्जा खा के मेरे को 80 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला, और डोसा खा के 100 रुपया का सेटिस्फेक्शन मिला। तुम चेक कर लो, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पास्ता में 150 रुपया बैठा है, उससे कम डोसा में बैठा है, और उससे कम पिज्जा में बैठा है। तो ये रैंक जो आप देते हो बेटा, वो ऑर्डिनल में देते हो, और मोनिटर्म्स में जो मेजर करते हो वो कार्डिनल में करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फीचर पढ़ा रहा था, मगर फीचर के साथ से ये दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, क्या क्या प्रॉब्लम। और एक लास्ट, सर हम लोग कार्डिनल में मेजर कर सकते हैं? तो हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। कि मेरे को 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसका मेजरमेंट का जो यूनिट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। क्या बोलते हैं? तुम जब बुक घर में जाके पढ़ोगे तुमको सब कुछ मिलेगा, बट स्टिल लिख लो कॉपी में। बुक में सब है, क्योंकि बुक वाला जो लिखा है वो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल ही होगा, बट स्टिल लिख लो। क्लियर? कितना पॉइंट हुआ? 2 पॉइंट हुआ। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, यूटिलिटीज नॉट मेजरेबल, बट जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि मेजर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट नंबर थ्री, यूटिलिटी इज रिलेटिव। क्या बोला? रिलेटिव मतलब पता है क्या होता है बेटा? क्या होता है यूटिलिटी इज रिलेटिव मतलब बेटा? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पहला बात है। और एक और चीज समझो, इट इज रिलेटिव क्यों? मेरे को अभी जितना प्यास लग रहा है तो पानी ज्यादा यूटिलिटी देगा, कि जब प्यास नहीं लग रहा तब ज्यादा यूटिलिटी देगा? तो रिलेटिव क्या होता है बेटा? वेरीज फ्रॉम, लिखो पर्सन टू पर्सन, रिलेटिव में लिख लो बेटा, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पहला चीज, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर पी टू पी मतलब क्या हो गया? प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। अब तुम लोग मेरे को बताना, मैंने बोला मेरे को अभी प्यास नहीं है, 4 घंटा बाद जब क्लास खत्म हो जाएगा मेरा तब ज्यादा प्यास लगेगा, तीनों में कहाँ फॉल करेगा वो? पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, या टाइम टू टाइम? टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरा ही बात हो रहा है। ठंड है, ठंड जब होगा बेटा जैकेट का स्वेटर का डिमांड यूटिलिटी देगा? जैकेट स्वेटर ठंड में देगा, गर्मी में देगा? प्लेस टू प्लेस, गर्मी में जैकेट स्वेटर नहीं ना देगा, कपड़ा देगा, बदन में कपड़ा होना चाहिए, जैकेट स्वेटर नहीं। प्लेस टू प्लेस हो गया। अब प्लेस टू, दार्जिलिंग में ज्यादा देगा, दार्जिलिंग तो हमेशा चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर ठंड का कपड़ा देगा, मगर कोलकाता में नहीं देगा ठंड का कपड़ा, उसको बोलते हैं प्लेस टू प्लेस। और पर्सन टू पर्सन समझ ही गया होगा तुम लोग, एक व्यक्ति को जो यूटिलिटी मिलेगा दूसरे व्यक्ति को वो ना मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या क्या पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट क्या था बेटा? सब्जेक्टिव। दूसरा, बट इकोनॉमिक्स में क्या अज्यूम करेंगे बेटा? हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद रिलेटिव, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। व्हाट इज दिस? सुनो, हर वो चीज जो यूटिलिटी दे, कोई जरूरी नहीं कि यूजफुल हो, हर वो चीज जो यूटिलिटी दे जरूरी नहीं कि यूजफुल हो। जैसे मान लो साधना जो है वो अभी 18 साल होते ही उसको मन कर रहा है कि भैया चलो दारू बियर पी ले, सेटिस्फेक्शन मिलेगा? सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा उसको, उसके शरीर के लिए अच्छा है, यूटिलिटी है मगर यूजफुल नहीं है। बाहर इतने जन मैं देखता हूँ स्मोकिंग करते हैं, जानवी यूटिलिटी है उनके लिए, यूजफुल है तो फिर मुंह से हटाओ। समझा मेरा बात? तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुल नहीं, हर वो चीज जो यूटिलिटी दे, इट इज नॉट नेसेसरी कि यूजफुल। हमारे जनरेशन के लिए हुक्का यूटिलिटी दे सकता मगर यूजफुल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना पॉइंट हो गया? एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी हैज नो मॉरल सिग्निफिकेंस। क्या बोला मैंने? यूटिलिटी हैज नो मॉरल सिग्निफिकेंस, ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। यस, या इसको ही बोलते हैं डिवाइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशन। तुम्हारे बुक में बहुत गंदा लैंग्वेज में लिखा है, डिवाइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशन मतलब नो मॉरल सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल याद है तुम लोग को? नहीं, भूल गया होगा, सुनो ध्यान से। मान लो सिमरन की मम्मी के हाथ में नाइफ है और एक मर्डरर है उसके हाथ में नाइफ है, यूटिलिटी दोनों को तो मिलेगा, यूटिलिटी तो दोनों को मिलेगा। मर्डर भी किसी का खून करके पैसा ही ना कमाएगा, उसको खून करने बोला होगा पैसा कमाएगा। मम्मी के हाथ में नाइफ है, मम्मी सब्जी काटेगी ना तुमको काटेगी, सब्जी काटेगी, यूटिलिटी दोनों को मिल रहा है, मगर बेटा कौन सा मॉरल है कौन सा इमोरल तुमको बेहतर पता मेरे से। कौन सा मॉरल है? मम्मी वाला काम मॉरल है, किसका इमोरल है या किसका एथिकल है? मम्मी वाला एथिकल है, किसका अनएथिकल है? तो कोई जरूरी नहीं कि हर जो यूटिलिटी दे तुमको वो एथिकल हो, वो अनएथिकल भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यूटिलिटी का कोई जरूरी नहीं कि मॉरल सिग्निफिकेंस हमेशा हो।
यूटिलिटी है मगर एथिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यूटिलिटी है मगर यूजफुल नहीं है, समझा मेरा बात। ये एग्जांपल बुक में नहीं लिखा, मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। खाली बुक में इतना ही एक लाइन लिख के, एक सेंटेंस लिख के छोड़ दिया गया कि यूटिलिटी हैज नो मॉरल सिग्निफिकेंस और एथिकल सिग्निफिकेंस। कितना पॉइंट होगा यूटिलिटी के फीचर्स का? पांच फीचर। हमने पहले पढ़ा यूटिलिटी, फिर पढ़ा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो ध्यान से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी? व्हाट आर द बेटा, देर आर ऐसे तो तीन तरह का होता है, बट तुमको तीन नहीं जानना है, तुमको केवल दो जानना है। क्या क्या जानना है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला मैंने सर? तीसरा क्या होता है खाली बता दीजिए, एवरेज यूटिलिटी। नहीं जानना है तुमको, खाली दो जानना है। क्या क्या जानना है? टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। अब सुनो ध्यान से प्लीज। हाँ सो सॉरी, टोटल और मार्जिनल, बस खुश, मेरे को गलत साबित कर दिया। सुनो ध्यान से, यूनिट्स, मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा था, फिर धीरे धीरे अपना कंजम्पशन बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जब मैं कुछ भी कंजम्पशन नहीं कर रहा था, मेरे को सेटिस्फेक्शन घंटा ही मिलेगा, जीरो मिलेगा। इफ आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, माई टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी यूटिलिटी को मन में संतुष्टि समझो, सेटिस्फेक्शन समझो। टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन, यूनिट जीरो, सेटिस्फेक्शन जीरो। मैं बहुत प्यासा हूं, पानी का प्यास लगा है, पहला ग्लास पिया, कौन सा ग्लास पिया, मेरे को पता है कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 20 रुपए का। मैंने बोला था यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर मैं ये नहीं लेता ना, कि डेटा नहीं लेता, चैप्टर पढ़ाना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अज्यूम करना पड़ेगा कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर, अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें तो एक चैप्टर कम हो जाएगा, कि अगर मेजर नहीं कर सकते तो ये चैप्टर हट जाएगा सिलेबस से, राइट। और प्यास लगा है, और प्यास लगा है, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो मैंने सेटिस्फेक्शन बढ़ा दिया, देखो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना हो गया। जब तक मेरा मेरे अंदर प्यास है, मैं पीता रहूंगा, जब मेरा प्यास बुझ जाएगा, मैं पीना भी क्या कर दूंगा, और पिया, कितना हो गया, मेरा प्यास थोड़ा और बढ़ रहा है, मेरा प्यास थोड़ा पी रहा हूं, प्यास अब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया। अब अगर और पीऊंगा शायद उल्टी कर जाऊं, कम हुआ, कहां तक पीना चाहिए? वेरी गुड, जो समझा रहा हूं बहुत कंसेप्ट से समझना पड़ेगा तुमको, आने का अभी आने वाला 10 मिनट प्लीज। अभी तुम्हारा आंसर 5 है, मैं सहमत हूं एज ए स्टूडेंट कि हाँ सर 5 तक पियेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ सेम है सिमरन, ये जो दिक्कत हो रहा है आपको, फोर्थ और फिफ्थ सेम है। फिफ्थ में नुकसान तो नहीं है ना? फिफ्थ में मम्मी आपको 1,000 रुपया दे रही है आज, कल भी 1,000 रुपया दे रही है, परसों भी 1,000, लेना बंद कर दोगे? 1,200 देगी तो भी तो लोगे, ज्यादा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर में भी कोई प्रॉब्लम। मम्मी अगर अगले दिन 800 पॉकेट मनी देगी तो सवाल उठेगा ना मन में कि मम्मी क्यों कम दे रहे हो, बट बराबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूं फिफ्थ तक सही है तुम लोग का, एज ए स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है ठीक है। अब इसको मैं बाद में 10 मिनट बाद चर्चा करूंगा, तब तुम्हारा आंसर बदल जाएगा। सुनो, यूनिट जीरो, टोटल यूटिलिटी, तो कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मार्जिनल यूटिलिटी और ये टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बेटा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है, क्या है? जब मैं 0 से 1 लिया तो मेरा यूटिलिटी बढ़ा, कितना बढ़ा, 0 से 20 हो गया, मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? जब मैं 1 से 2 लिया मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ा है, मगर जितना पहले बढ़ा था ना 0 से 20, 20 नहीं बढ़ा, 16 बढ़ा, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। मैं भागा बहुत जोर से, पानी का बहुत जोर से प्यास लगा था, पहला ग्लास पी के कितने का अच्छा लगा, बट दूसरा ग्लास भी प्यास बहुत लगा है, मगर जितना तृप्ति, जितना आनंद, जितना संतुष्टि मेरे को पहला ग्लास देगा, दूसरा ग्लास उतना तो नहीं देगा मगर देगा, कितना दिया, और पी रहा हूं, और पी रहा हूं, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नो डाउट मिल रहा है, कितना मिल तो रहा है, पियो ना दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8, नुकसान तो नहीं है, मिल तो रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है मगर जीरो तो नहीं हो रहा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। 4 से 5 जीरो, ये मेरा सेचुरेशन पॉइंट है। अब मेरे को समझ जाना चाहिए मेरा प्यास बुझ चुका है, मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन अब नहीं मिल रहा है। 56 से 56 कितना हो रहा है? अब आगे और पीऊंगा तो उल्टी कर जाऊंगा, देखो यही हो रहा है। 54 से 56 को माइनस करो। तो एज ए स्टूडेंट तुम दो चीज समझो, पहला तुम कहां तक कंज्यूम करेगा, जो तुम बोला वो सही है, टीयू मैक्सिमम चेक करो, टीयू का मैक्सिमम 256 है ना, बाद वाला लेने का जो तुम लोग बोला, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सही है, बट 10 मिनट बाद एक चीज बताऊंगा, टीयू मैक्सिमम 56 है, या फिर और तुम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर जहां पे एमयू कितना हो गया, जीरो, यही तो
वहां तक कंज्यूम करो जहां पे टीयू मैक्सिमम है या एमयू, यानी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, कितना यूनिट्स हो गया, 5 हो गया। अभी तक समझ में आ रहा है टीयू मैक्सिमम या एमयू? एमयू घट रहा है, एमयू घट रहा है, घट घट के 0 हुआ और बाद में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैं वापस बोल रहा हूं प्लीज सुनो, एमयू घट रहा है, घट घट के 0 हो गया और लास्ट में यही जो एमयू के साथ हो रहा है ना, इसी को लेके सर मार्शल ने लॉ बना दिया। पहला बात उस लॉ को क्या बोलते, अपने पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस और नो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये लॉ क्या बोलता है? एज मैं लिख क्यों रहा हूं, पहले बोल देता हूं, तुम ही लोग को पूछूंगा। एज द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस, क्या बोला, बढ़ रहा है, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द, क्या बोला, सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, घट रहा है क्या, देखो तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड बिकम्स नेगेटिव, एंड बिकम्स, मैं वापस बोलो, मैं 3 बार बोल रहा हूं, एज द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस, मैं पहले बोल देता हूं 3 बार, मैं 3 बार बोलूंगा फिर तुम लोगों को बारी मिलेगा। एज द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स कीप्स ऑन एंड बिकम्स नेगेटिव, एज द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कंजम्पशन कीप्स ऑन एंड बिकम्स, एज द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कंजम्पशन कीप्स ऑन एंड बिकम्स नेगेटिव। एक बार जान भी बोल दो, जितना बोल पाओ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सारा ही बोलना है, जहां से आप अटकोगे वहां से गुनगुन बोलते कि एज एज द कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी कॉमा यूटिलिटी डिराइव्ड, एडिशनल यूनिट डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स, एक ही बात है, कॉमोडिटी कीप्स ऑन एंड बिकम्स, मोटा मोटी हो गया, ज्यादा पूछने का जरूरत नहीं था। दृष्टि एक बार खाली आप ट्राई कर दो ना, द मार्जिनल यूटिलिटी टर्न्स नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना, ठीक है? ये लॉ किसने निकाला? वेरी गुड, लॉ निकाला सर एल्फ्रेड मार्शल ने। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, क्या हमारा टोटल यूटिलिटी का फिगर कुछ ऐसा था, 0, 20 याद है किसी को? 36, 48, 56, 56, 54, राइट? प्लीज देखना मैं जो बोल रहा हूं, टीयू का कर्व बढ़ रहा है, 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 कांस्टेंट हो गया और बाद में नेगेटिव है। प्लीज साधना गलत नहीं, घट रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव तो एमयू हुआ है, टीयू नेगेटिव नहीं हुआ, टीयू तो डिक्रीज कर गया ना, नेगेटिव ये हुआ साधना, ये टीयू जस्ट डिक्रीज कर गया, टीयू क्या कर गया, तो यहां पे टीयू को 0 पे 0 ही था टीयू, देखो टीयू कैसे बना रहा हूं मैं, ये टीयू आया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मेरे को बता सकते हो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है टीयू का जहां से वो घटना स्टार्ट हो गया? क्या ये मैक्सिमम पॉइंट है? क्या ये पॉइंट है मैक्सिमम? क्या ये मैक्सिमम पॉइंट है? क्योंकि इसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर गया, तो टीयू का कर्व कैसा हुआ बेटा, पहले अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, क्या हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, ठीक है? ये किसका कर्व हो गया? टोटल यूटिलिटी का, किसका हो गया? देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, ये देखो ये मेरा कितना यूनिट था बेटा, यहाँ पे याद है 5 यूनिट में मैक्सिमम हुआ था ना 56, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ये 56 हो जाएगा, समझ रहे हो मेरा बात, ये बना के दिखाने तुमको समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कितना यूनिट हुआ, यानी पहला यूनिट में बड़ा, पहले यूनिट में कितना आंसर आया था याद है 20, वेरी गुड, दूसरा यूनिट में कितना आंसर आया होगा 36 समथिंग, है ना, तीसरा अगर पांचवा दिखा देता हूँ, चौथा नहीं बनाता हूँ, तीसरा में कितना आया था 48, राइट, तीसरा में 48, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उसके चौथा पांचवा तो सेम ही था उसका, यस और नो? चौथा पांचवा सेम ही था, तो यही चौथा यही पांचवा, लेकिन उसके बाद अगर 6 यूनिट में चला जाऊंगा ना बेटा,
टीयू वापस घट गई है, देखो नीचे आ गया वापस, कहीं ना कहीं 54 पे आना है उसको, समझा? तो टीयू का कर्व कैसा हुआ बेटा, ऐसा हुआ, पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, चरम सीमा ये है इसका, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। ये किसका कर्व हुआ? लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू शो विच कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या हो रहा है इसके साथ, बढ़ रहा है क्या एक बार भी? घटित, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और बाद में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, घटते जा रहा है घटते जा रहा। पहले वाले को जीरो नहीं दिखा के डैश दिखा दिया करो, क्योंकि नहीं तो लगेगा 0 से 20 बढ़ रहे हैं ना, तो पहले वाले को डैश दिखा दिया करो, फिर 20, 16, 12, 8, 0। और तो इसका मतलब सर, इसका कर देखो कैसे बनेगा, इसका कर बेटा ऐसा बनेगा, ऐसा। अरे बनना रे भाई, क्या हो गया इसको, धोखा क्यों दे रहा है? ये देखो ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एमयू कितना होगा बता सकते हो? नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा पूरी जिस पॉइंट पे मैं दिखा रहा हूं वहां पे पूरा पूरी जीरो है, ये वाला ये जीरो है। शुरुआत में मैंने स्टार्ट कहां से किया था, 20 से स्टार्ट किया था, वो कितना यूनिट पे था 20, याद है तुम लोग को? ये डायग्राम देखो 1 यूनिट पे कितना था। तो बेटा ये जो 20 होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला मान लो ये 20 है, सपोज ये 20 है, ये तो ये कितना यूनिट पे होगा, फर्स्ट यूनिट पे। सेकंड यूनिट पे याद है कितना आया था तुमको, सेकंड यूनिट पे कितना आया था, 16 आया था। थर्ड यूनिट पे याद है तुमको कितना आया था, 12 आया था। फोर्थ यूनिट पे याद है कितना आया था, मेरे को याद नहीं है, 2016 के बाद 12 ही आया था। पंखा चाहिए, पंखा चाहिए, पंखा चाहिए, आपको पूछ रहा हूँ। हाँ उसको पंखा चाहिए, वो दोनों कनेक्टेड है। एक काम करो आप, पंखा चलो इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा, जानवी आप इस तरफ आ जाओ, सब कर दे रहे, घबराओ मत। हाँ ठीक है, खुश ऐसे एक्सप्रेशन दो, क्या हो गया भाई? चलो डन, थर्ड यूनिट कहाँ चला गया? कितना था थर्ड यूनिट पे, फोर्थ पे कितना था, और फिफ्थ पे, फोर्थ फिफ्थ पे जीरो। तो ये फोर्थ दिखा दूँ, फोर्थ पे कितना बोला, ये पूरा फिफ्थ है तो यहाँ पे कितना आएगा, जीरो। आप समझ रहे हैं? सिक्स पे कितना था, ये सिक्स है, सिक्स कहाँ छू रहे हैं, यहाँ छू रहे हैं, तो यहाँ से नीचे लाओ ना बेटा, क्या हो जाएगा ये, अब समझा? सिर्फ समझा रहा हूँ मैं तुमको, बनाना कर्व है समझाने के लिए, टीयू में भी कुछ पॉइंट नहीं दिखाना है तुमको, ये जो पॉइंट सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। तो एमयू का ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा हो गया सर। एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, एग्जाम में ये लोग जो पूछेगा वो बोलेगा टीयू एमयू का साथ में बना के दिखाओ। कैसे दिखाओ, देखो कैसे बनेगा, सुनो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुम लोग से, शेड्यूल तुम्हारे सामने है। जब टीयू बढ़ रहा है एमयू, टीयू बढ़ रहा है एमयू, घट ही रहा है, बढ़ तो नहीं रहा एमयू, तो एक बार भी नहीं बढ़ा। टीयू बढ़ा एमयू, टीयू मैक्सिमम है तो एमयू, टीयू मैक्सिमम है 56 पे एमयू, टीयू डिक्रीज कर गया, तीन रिलेशनशिप निकला, तीन रिलेशनशिप निकला। क्या रिलेशनशिप निकला, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एम यू, किस क्या रिलेशनशिप निकला, तीन बताओ। वेन टीयू इंक्रीजेस, पहला वेन टीयू इंक्रीजेस, मैं मेरा लिखने का तरीका अलग है, एम यू डिक्रीजेस बट इट इज पॉजिटिव, सही लिखा, एम यू घट रहा था मगर 20, 12, 8 पॉजिटिव था। तो दूसरा क्या लिख रहा हूं, वेन टीयू इज मैक्सिमम एम यू जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सवाल नहीं, जीरो तो जीरो होता है। तीसरा वेन टीयू डिक्रीजेस या फॉल्स एम यू बिकम्स नेगेटिव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एम यू बिकम्स, पहले ये रिलेशनशिप समझा, फिर अब कर बता रहा हूं। तीन रिलेशनशिप है, टीयू बढ़ा एम यू घटा मगर सकारात्मक है पॉजिटिव है, टीयू मैक्सिमम हुआ एम यू शून्य है, टीयू घटा एम यू नकारात्मक हो गया नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया मेरा बात? लिखना है क्या, आगे बढ़ू बढ़ू, बुक में है, घबराने का बात नहीं है, बुक में है सब, लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है?
चलो डन। ठीक है, नेक्स्ट आओ। क्या बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं बना रहा हूं, क्या बोलो, तो बोलो ना क्या बना रहा हूं। अच्छा, ये जो मैंने कर बनाया, ये किसका बनाया? ये मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद तो फॉल कर गया, ये मैक्सिमम है, इसके बाद तो क्या कर गया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा स्ट्रेट नहीं, तुम लोग स्ट्रेट कर लेना, हो गया। यहां से एमयू बना रहा हूं, समझ पा रहे क्या हुआ है, क्या समझा? ज्वाइन इसलिए किया टीयू का मैक्सिमम पे एमयू को जीरो दिखाने के लिए, कि जब टीयू मैक्सिमम हुआ तो एमयू पूरा पूरी, जब टीयू यहां से फॉल कर गया एमयू क्या हो गया, यस और नो? जब टीयू इंक्रीज कर रहा है एमयू घट रहा है, मगर मगर पॉजिटिव, ये तीनों रिलेशनशिप यहां से बन गया अपना, समझा? क्लियर? बिना देखे बनाओ, बिना देखे बनाओ। हो गया, यहां पे लिख लेना टोटल यूटिलिटी, यहां लिख लेना मार्जिनल यूटिलिटी, यहां लिख लेना यूनिट्स, यहां लिख लेना एक्स, यहां लिख लेना ओरिजिन, यहां लिख लेना वाई। जब आपने अगर यहां लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी तो यहां नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है? हुआ गुनगुन? हो गया? अब सुनो, महक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता था?
यूनिट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ऐसा होगा। मार्शल बोला, मैं जो बोल रहा हूँ मतलब मार्शल अपने हिसाब से बोला कि मैंने जो बोला वो होगा कि धीरे 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 यूटिलिटी क्या होगा, कम होगा और नेगेटिव होगा। मगर मार्शल बोला ऐसा तभी होगा जब हम लोग कुछ अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अज्यूम। मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। जो मन चाहे अज्यूम कर लो, जो मन चाहे क्या कर लो, अज्यूम कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अजम्पशन के बेसिस पे पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है। पहला अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन है, मैं एक एक अजम्पशन का लॉजिक समझा दूंगा, याद रहेगा तुम लोग को। पहला अजम्पशन है ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। क्या बोला? ये कीवर्ड है, इसके एग्जांपल तुमको अपने मन से देना है। ये क्या होता है? ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। मान लो मैंने संतरा का जूस पिया। क्या पिया? नियम क्या बोलता है? पहला ग्लास जितना सेटिस्फेक्शन देगा दूसरा ग्लास उतना। बट दुकानदार, पहला ग्लास जो दिया मेरे को वो संतरा का जूस इतना कड़वा था मेरे को पहला खराब लगा। बोले भैया रुकिए ना, आप टेंशन मत लीजिए, छोड़िए, उसका पैसा भी नहीं लेंगे, आप एक बार और पी लीजिए, मैं इस बार बढ़िया दे रहा हूँ। और वाकई दूसरा वाला अच्छा था। कौन सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? लॉ काम नहीं किया। लॉ कहाँ काम किया? लॉ तो बोलता था पहला वाला ज्यादा देगा दूसरा वाला। तो मार्शल पहले बोल दिया कि लॉ तभी काम करेगा जो यूनिट्स है, जो आप ले रहे हो पहला ग्लास दूसरा ग्लास, वो पूरा का पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। सेम कैसे? कलर में सेम, क्वालिटी में सेम, शेप में सेम, साइज में सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल में क्वालिटी चेंज हो गया था ना, वो नहीं होना चाहिए, तभी लॉ काम करेगा, वरना लॉ काम नहीं करेगा। तो मार्शल बोला सारा यूनिट्स आइडेंटिकल होना चाहिए, तब जाके लॉ काम करेगा, नहीं तो लॉ काम नहीं करेगा। पहला अजम्पशन समझा। दूसरा, देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप। इसको बुक में ऐसा लिखा हो रहा था, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। मैं लिख देता हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप। कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं बहुत प्यासा हूं, पहला ग्लास मेरे को जितना सेटिस्फेक्शन देगा दूसरा उतना नहीं देगा। मैं पहला ग्लास पी लिया, अब वापस से पूरा दिन भर पानी नहीं पिया, 6 घंटा बाद वापस पानी पी रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन चेंज होगा और ज्यादा प्यास लग जाएगा, फिर 6 घंटा बाद पी रहा हूँ। मार्शल बोला भैया टाइम गैप नहीं होना चाहिए, तुम पहला लिया हाथों हाथ दूसरा लो, हाथों हाथ तीसरा लो, हाथों हाथ चौथा लो, तब जाके तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप। समझा मेरा बात? तब जाए मतलब ये सब होने से लॉ काम करेगा, वरना लॉ काम नहीं। टाइम गैप नहीं होगा तब लॉ काम करेगा, टाइम गैप होगा तो लॉ काम। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस स्टैंडर्ड, मस्ट बी होमोजीनियस स्टैंडर्ड। कुछ भी बोलोगे चल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है सर? मान लो मैं बहुत प्यासा हूँ, मैराथन भाग के आया हूँ और हावड़ा मैदान उतर गया। हावड़ा मैदान उतरने के बाद गुनगुन का घर दिखा मेरे को, गुनगुन के घर चला गया। पहला चीज गुनगुन से क्या मांगूंगा? गुनगुन प्लीज पानी पिला दे मेरे को। पहला ग्लास पानी दे दी, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गुनगुन को बोला गुनगुन और देना, क्या करिए चम्मच में ला रही है दूसरा पानी का, मेरे को जो बूंद है 2-4 बूंद चम्मच में ला रही है। बोले सर पी लीजिए, कम होगा सेटिस्फेक्शन? कहां से कम हो, तुम पहला तो ग्लास दे दिया, अब दूसरा कहां से कम हो गई? तो 2-4 बूंद मिला, मैं सेटिस्फेक्शन हो सकता और बढ़ जाए। यस और नो? ऐसा नहीं होगा। पहला अगर ग्लास है तो दूसरा भी चम्मच में नहीं चलेगा या छोटा बोल में भी नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल द यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस। पहला ग्लास है तो दूसरा भी क्या चलेगा, तीसरा भी वही यूनिट उतना ही बड़ा ग्लास होना चाहिए, तब जाके सेटिस्फेक्शन क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तीसरा अजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या था? आइडेंटिकल होना चाहिए। सेकंड क्या था? थर्ड क्या है? ऑल द यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस। फोर्थ, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मस्ट नॉट चेंज।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मस्ट नॉट चेंज, मस्ट नॉट चेंज, क्लियर। जैसे मान लो मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाऊंगा खाने के लिए, मेरे को नान और तुम्हारा क्या बोलता है पनीर का सब्जी बहुत पसंद है, बहुत भूखा हूँ, पहला जो नान मैं खाऊंगा और जो पनीर बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, पता नहीं क्या हुआ वो नान इतना ज्यादा अच्छा लगा, रेस्टोरेंट वाले इतना अच्छा बनाया कि मेरा टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया उसके लिए, अब मेरे को और वही नान चाहिए और अच्छा ज्यादा चाहिए, मेरा टेस्ट में फिर सडनली क्या हो गया, तो मेरा सेटिस्फेक्शन दूसरे नान के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि कम होगा। अगर आपका टेस्ट में वैसे ही रहता तो लॉ काम करता, मगर टेस्ट में अगर बढ़ गया ना तो लॉ काम नहीं करेगा, तेरा सेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो टेस्ट में बढ़ना नहीं चाहिए, घटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बढ़ना तो कोई हालत में नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चौथा पॉइंट हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मस्ट नॉट चेंज। कितना पॉइंट हो गया? चार। गुनगुन चारों पॉइंट एक बार खाली हिंदी में समझा दो, चारों पॉइंट। यूनिट आइडेंटिकल होना चाहिए, शेप क्वालिटी वट एवर, फिर तीसरा रचिता, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, द कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, ये भी अजम्पशन है, कैन यू एक्सप्लेन दिस व्हाई? तो समोसा लियो ला के दे देना अभी करा, द कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। देखो रैशनल मतलब क्या है, आम आदमी की तरह बिहेव करे। मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, क्या खाने का ऑर्डर दिया था पहला, नान और पनीर, मैं वो खाते में पागल हो गया, मदहोश हो गया, बेवड़ा हो गया हूँ, अरे और लो यार और लो, बहुत मन कर रहा हूँ, पागल जैसा हो गया हूँ मैं, अरे रैशनल होना चाहिए, रैशनल रैशनल कंज्यूमर की तरह बिहेव करो, ना कि इरैशनल या अनसाउंड माइंड। कंज्यूमर अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए, पागल आदमी तो कुछ भी बोल देगा, तो यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ मैड पर्सन, पागल नहीं, रैशनल होना चाहिए, क्योंकि पागल आदमी का कोई सोच विचार खुद का नहीं होता, वो कुछ भी बोलने लगता है, तो कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, समझा, इरैशनल नहीं होना चाहिए, बोलने का मतलब है कंज्यूमर मस्ट नॉट बी इरैशनल और मस्ट बी रैशनल, बात तो एक ही है, समझा, कंज्यूमर मस्ट भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, समझा, यहाँ पे लिखा हुआ है खाली कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल वाइल टेकिंग डिसीजन, ठीक है, डिसीजन ले रहे, और क्या लिखा सुनो, हाँ, यूटिलिटी, ये तो बहुत ईजी है, यूटिलिटी मस्ट बी मेजरेबल। बेटा अगर तुम यूटिलिटी मेजर ही नहीं कर पाएगा तब ये कॉलम बना पाएगा, तुम ये वाला देखो तो, ये वाला कॉलम, ये वाला नहीं बना पाएगा, ये वाला कॉलम अगर नहीं बना पाएगा तो कैसे बोलेगा कि मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, तो यूटिलिटी हम लोग अज्यूम करें मेजर कर सकते तभी ना ये सब बनेगा, तो ये तो इम्प्लाइड है, ये बोलने का जरूरत नहीं है, अजम्पशन है, यूटिलिटी क्या कर पा रहे हैं हम लोग, मेजर कर पा रहे हैं, कितना अजम्पशन हो गया। अच्छा एक और चीज बता दे रहा हूँ, साथ काफी है, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स मस्ट नॉट चेंज, मस्ट नॉट चेंज। बेटा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया ना, आदमी उस चीज का कंजम्पशन को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, तो कहां से फिर तुम्हारा लॉ काम करेगा, तुम तो अपना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर प्राइस चेंज हो गया तो आदमी उस चीज का कंजम्पशन को छोड़ देगा और आगे दूसरा चीज में चला जाएगा, तो घटेगा कहां से फिर, तो ये इसलिए बोला गया कि आदमी शिफ्ट ना करे खुद को, आदमी जो चीज ले रहा है वही लेता रहे, वो आगे शिफ्ट ना करे, समझा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज, ना बढ़ना चाहिए ना घटना, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया ना दिक्कत हो जाएगा, तो तुमको वो चीज और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ गया तब तो तुम वही लेगा और वो और ज्यादा अच्छा लगेगा, वो भी नहीं होना चाहिए, और अगर कम हो गया तुम उस चीज को छोड़ के वो लेने लगेगा तो फिर लॉ काम ही नहीं करेगा, तो ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, समझा, कितना अजम्पशन हो गया, सात। सिमरन सातू बोल सकते हो? हाँ बोलो, हाँ चल जाएगा, नंबर टू एक ही हो गया, दो नंबर ठीक है, तीन नंबर होमोजीनियस ठीक है, नंबर फोर चार इरेशनल, रैशनल चार, पांच नंबर पांच हुआ,
छह हुआ, लास्ट वाले भूल गया, क्या था लास्ट वाला? प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड मस्ट नॉट चेंज, समझा मेरा बात? ये हो गया इसके अजम्पशंस, क्या हो गए याद है? मैंने तुम लोग को बोला था इसका जवाब 10 मिनट बाद दूंगा, तुम लोग का आंसर क्या था, कहां तक लेगा? 10 मिनट से ज्यादा लेट हो गया क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ाया, अब इसका टाइम आ गया। तुम लोग का आंसर क्या था? 5 था। अब आओ मेरे को एक बार डेट टाइम देख रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, कितना बज रहा है? 7:30 भी नहीं हो रहा होगा अभी तक, तो फिर तो घर जाओ, तब फिर घर जाओ, टाइम देख रहे हो, घड़ी खोल देंगे। इतना अच्छा वो लोग को भी नहीं पढ़ा है डब्ल्यू वालों को आज, तुम तो था क्लास में, था ना अभी लगाव है ना यूनिट्स? मेरे को वो डेटा खाली लगेगा, यूनिट जीरो था वो, ज्यादा हौचपौच हो गया। कहां तक था? 6 तक था, 6 तक था, कोई लिखा है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बोलो ना यार, 0, 20 ये सब डेटा अपने अपने से बनाना सीखो, बुक्स में रटना नहीं। जब मैं बुक लिया था खाली देख लिया, बुक में डेटा भी नहीं होगा, दूसरे डेटा होगा, अपने से बनाओ। बनाने का तरीका जानना है कि बना लेगा? टोटल यूटिलिटी को पहले थोड़ा जैसे 20 से बढ़ाया, अब 18 से बढ़ाओ, फिर 12 से बढ़ाओ, फिर 6 से बढ़ाओ, फिर कुछ मत बढ़ाओ, फिर कम कर दो, बन गया। कितना शेड्यूल तुम लर्न करेगा? पॉसिबल नहीं है। पहला वाला मैंने बोला डैश कर दो, कितना आया था? आया। तुम लोग का आंसर क्या था? ये था, था? अब सुनो ध्यान से, ये डेटा मेरा ही है, मैं जस्ट भाग कर आया हूँ और गुनगुन के घर जा रहा हूँ क्या पीने के लिए। गुनगुन बोल रही है सर मैंने तुम लोग को बताया था ये चीज, आई डोंट रिमेम्बर। हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे उसमें था सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। गुनगुन बोली सर आपको पानी तो पिला दूंगी मैं, लेकिन पानी पिलाने के लिए हर ग्लास का आपसे 8 रुपया लूंगी। कितना रुपया? नाउ कंपेयर योर सेटिस्फेक्शन विद प्राइस। आई विल कंपेयर माई सेटिस्फेक्शन विद प्राइस। पहला ग्लास पिया, कितने का मजा मिला? मैं गुनगुन को कितना रुपया दे रहा हूँ? 8 रुपया दे रहा हूँ, मजा कितना का मिल रहा है? एक्स्ट्रा मजा हमेशा दिखता है, ये वाला कॉलम नहीं देखेगा। एक्स्ट्रा मजा कितने का मिला? पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा? फायदा है तो गुनगुन और पिला, तू और पिला मेरे को, पिलाई एक्स्ट्रा मजा 16। प्राइस कितना दे रहा हूँ? प्राइस 8 ही दे रहा हूँ हर बार का। पीऊ कि नहीं पीऊ? गुनगुन और पिला, बहुत प्यास लगा है। मजा कितने का मिला? फिर उसको कितना रुपया दे दिया? गुनगुन और पिला, पिलाई मजा कितना का मिल रहा है? प्राइस यहां तक कोई नुकसान है? गुनगुन अब मेरे को समझ में आ गया है, मेरा मजा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर मैं और आगे लूंगा तो 8 रुपया तो मेरे से लेगी, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा मजा कितना का मिलेगा? आई विल स्टॉप माई कंजम्पशन, ऑल्दो आई एम थर्स्टी। मेरा आत्मा को अभी शांति नहीं मिला है, एक ग्लास और पीने का मन था, मैं नहीं पी पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक फैक्टर आ गया, प्राइस। कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छा पोजिशन क्या होता है सुनो, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो कब होता है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन वो जितना प्राइस दे रहा है उसके यूटिलिटी के बराबर हो जाए। प्राइस अगर यूटिलिटी से ज्यादा है, नहीं प्राइस यूटिलिटी के, अच्छा अगर एमयू बड़ा है प्राइस कम है, अच्छा है ना खराब है? और लो, डोंट स्टॉप योर कंजम्पशन, और लो, लेकिन जिस पॉइंट पे एमयू और प्राइस स्टॉप योर कंजम्पशन, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू नो डेट यू हैव टू स्टॉप योर कंजम्पशन। पता ये तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे साथ होता है। आज मैं गया था अवनी मॉल, मम्मी बोली शर्ट ले लो एक, तो ट्रस्ट मी ऐसा हुआ। क्या हुआ? उस शर्ट का दाम था 1999। कितना था? मेरे को वर्थ इट नहीं लगा। मैं मम्मी को बोला मम्मी वो 499 या 500 के आसपास होता मैं ले लेता। मेरा सेटिस्फेक्शन कितने का है?
एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितने का मिल रहा है, प्राइस कितना उसका, 2000 रुपया प्राइस, 2000, यूटिलिटी 500 लूंगा, मना कर दिया, नहीं लिया। तो प्राइस अगर आपका ज्यादा, एमयू कम है, हम लोग नहीं लेते हैं, मगर अगर मेरे को लग रहा है नहीं मम्मी तो 2000 का लायक है, प्राइस और एमयू बराबर है, मैं ले लूंगा कि नहीं लूंगा, ले लूंगा, दिल पे पत्थर रख के ठीक है, जितना का दिया उतना का सेटिस्फेक्शन मिला। तो अगर ऐसा होता तो मेरे को लगता यार ये तो 10000 का शर्ट था, लेकिन मिल कितना मेरा है, जरूर लूंगा। प्राइस इज लेस देन एमयू, एमयू ज्यादा है प्राइस, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है तुमको। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये जो चीज बोला ये कुछ नहीं है, वही चीज है। तुमको अगर लग रहा है कि 8 रुपया दे के तुमको 12 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ले लो, 8 रुपया दे के 8 का भी मिल रहा है तो ले लो, मगर 8 रुपया दे के तुमको 0 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मत लो। अब बताओ आंसर क्या होगा मेरा, तुम लोग आंसर क्या बोल रहा था। तो आंसर जब हमेशा देखोगे ना बेटा कहाँ तक लेना चाहिए, तो हमेशा दिमाग में एक फैक्टर पैदा कर लो, वो फैक्टर क्या है बेटा, अगर प्राइस का फैक्टर नहीं होता तब तुम्हारा आंसर सही है, प्राइस का फैक्टर आ गया तो ये आंसर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक मिनट छापो मत, एक चीज और बता, प्राइस कांस्टेंट था कितना रुपया में, 8 में, वेरी गुड, ये प्राइस कांस्टेंट हो गया, ये प्राइस का लाइन है कितना रुपया में। एमयू का कर्व कैसा होता है पता है तुमको, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, एक बार ऐसे ही लेता हूँ, शुरुआत में एमयू कितना का मिल रहा था मेरे को, 20 मान लेते बेटा, ये 20 है, ध्यान से देखना, मान लेते बेटा ये एमयू, और यहाँ पे कितना बेटा प्राइस, कितना है, कितना यूनिट पे था ये मेरा, फर्स्ट यूनिट पे था ना, यूनिट फर्स्ट हो गया, सेकेंड यूनिट पे एमयू कितना था याद है तुम लोग को, 16, ये हो गया सपोज 16, ठीक है, कि कौन सा यूनिट था, थर्ड यूनिट पे एमयू कितना था, ये 12 हो गया मान लो थर्ड यूनिट, अभी भी तो एमयू ज्यादा ही है, प्राइस खाली कितना है फोर्थ यूनिट पे, तो ये बेटा फोर्थ यूनिट हुआ, यहाँ पे एमयू और प्राइस मिल रहा है, इसके आगे फिफ्थ यूनिट में देखो बेटा ये रहा, एमयू तेरा कितना है फिफ्थ यूनिट पे याद है, 0 है, प्राइस कितना है, नहीं लेगा नहीं लेगा नहीं लेगा, कहाँ तक लेगा बेटा, ये सब दिखाना नहीं है, जस्ट तुमको क्या दिखाना है, ये वाला कर्व, ये प्राइस का कर्व है बेटा, ये एमयू का कर्व है, ये सबसे अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी बराबर है और मेरे एग्जाम्पल में कितना रुपया था, 8 रुपया, समझा मेरा बात। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इसका है, समझा मेरा बात, ये लिख लो, ये ग्राफ बना लो, अब समझा, ये ग्राफ इक्विलिब्रियम, जहाँ दोनों मिल रहा है वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसका हेडिंग दे देना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कॉमोडिटी केस, इन वन कॉमोडिटी केस, मेरे को एग्जाम्पल में कॉमोडिटी क्या था याद है मेरे, गुनगुन वाले में पानी, वाटर, तो वन कॉमोडिटी केस है, ये वाला भी कॉपी करना टेबल, हाँ एग्जाम में अगर आएगा एक्सप्लेन कंज्यूम, अच्छा पहले लिख लो फिर बताता हूँ, पहले लिख लो, ईशा कोई आया है क्या, देखो तो गेट का आवाज आ रहा है, एक मिनट अंदर बुलाओ, कहाँ से, फ्लावर वाली से आए हो, मम्मी को सैटरडे से बोला था ना, हाँ मम्मी को मैंने सैटरडे को बोला था, सैटरडे को 7:45, सैटरडे से 7:45, मम्मी को शायद याद नहीं रहा होगा, सैटरडे को बोला था मैंने मम्मी को, वेडनेसडे को क्लास, वेडनेसडे है ना टाइमिंग्स, एक सेकंड, ओ माँ रिकॉर्ड।